वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नासिर हम बात कर रहे हैं रात को दुकानें 8 बजे बंद करने के हवाले से, लोड शेडिंग कंट्रोल करने का जो शिशमाई बचत प्लान सामने आया कौमी असम्बली में उसके हवाले से। नवीद जो सब कहते हैं कि जनाब ये एक आदत बन गई हुई है हुकूमत की, कोई बात माननी ही नहीं है, उस पर रिएक्ट करना है, कहना है जी हम नहीं मानते, लेकिन दूसरी तरफ ताजरों कहना है कि इसका बड़ा शदीद किस्म का रिएक्शन होगा। आपने गालिबन कल वज़ीर आला से ये दरख्वास्त की है कि वफाकी हुकूमत अगर आपसे कहे कि दुकानें बंद करवानी हैं तो आप कोई उनसे मुआयदा ना करें, कोई उनकी बात ना माने। सही दरख्वास्त की है शहबाज साहब को और मैंने उनसे ये अर्ज़ की है कि ये ताजरों के साथ सरासर जुल्म है और लास्ट टाइम भी आपके हुक्म पर हमने दुकानें बंद की, लेकिन एक तो वो क्रॉस द बोर्ड ना हुई और दूसरा जो बिजली के हवाले से जो मुआहदे किए गए लेस्को के साथ और दीगर वो भी पूरे नहीं हुए। लेकिन नजम साहब अब ये बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं कि ताजर हुक्म मानने को तैयार नहीं, तो मैं इनसे ये कहता हूँ कि ऐसी हुकूमत का ताजर क्या हुक्म माने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म नहीं मानती। चलिए आप पॉलिटिकल डिबेट में ना चाहें, उस पर ना चाहें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिबेट कहीं और पड़ी हुई है, उसको रहने दें, लेकिन आप बात करें सिर्फ इस वक्त ताजरों के हवाले से। आप तस्लीम नहीं करते जी कि 8 बजे दुकानें बंद, तो बिल्कुल खालिद साहब आप भी तस्लीम नहीं करते जी कि 8 बजे दुकानें बंद की जाएँ, इस पर आप रेजिस्ट करेंगे? हम ये कह रहे हैं कि बैठ के बात की जाए, रीजन बताया जाए ना 8 बजे क्यों बैठ के बात की जाए, बात की जाए, पहले कहते हैं बात की जाए, बात नहीं है ना उसके कोई और की हुकूमत है, एक सियासी जमात की हुकूमत है, बैठ के नुमाइंदों को बिठा ले साथ से बैठ कर। हमने जो भी फैसले किए हैं कंसेंसस से किए हैं, सही, हम ये नहीं कि वन साइडेड पे कोई डिसीजन लेते। जो पिछला भी फैसला होता उसमें तमाम सूबों के वज़ीरे आला तमाम बैठ के एक कंसेंसस बनता है। आप पूरा 3 साल का टेन्योर में देख लें पार्लियामेंट के अंदर हर चीज पे कंसेंसस, अब फर्क आ गया ना थोड़े से। अब मुस्लिम लीग नून पूरी तरह अपोजिशन में बैठी हुई है, उनका जो ट्रेडर्स विंग है वो कह रहा है कि वज़ीर आला पंजाब बिल्कुल बात ही ना माने, इनकी जाति राय है, अच्छा इनकी जाति राय अपने नुमाइंदों की सीट से ठीक है, अच्छा लेकिन बात यह है कि जब एक चीज पूरी उनके सामने पेश की जाएगी तो मैं नहीं समझता चाहे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हो या कोई हो, वो अगर इसको नहीं मानेंगे इसलिए मैं इस आप समझते हैं कि वज़ीर आला पंजाब अमल करवाएंगे। देखिए जब एक फैसला होगा और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के ये फैसला होता है, सब मिलकर हर एक ऑन बोर्ड लिया जाता है, उससे तो फैसला तो बिजली की पैदावार में इजाफा करने का तो फैसला होता है। पाकिस्तान वजीर आजम पाकिस्तान वजीर आला पंजाब कोई भी इस पर अमल दरामद नहीं करवा सकता, हम किसी की नहीं मानेंगे इस बात एटीट्यूड की बात, इस बात पर नहीं मानेंगे, एटीट्यूड की बात है ना। हमें बिठाए हमें बताएं कि 8 से 10 क्यों जो हमारी सेल होती है ज्यादा रात को ही होती है, ज्यादा उसका टाइम जो है वो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, 6 बजे 10 बजे तक जी कारोबार होता है सारा का सारा। 9 बजे तो अजाने होगी, तो अजानों के टाइम पर बंद करेंगे वो। मैं कहता हूँ इसका बहुत आसान तरीका है जी, एक इनकी दुकानों पे वो जो कार्ड नहीं होता जिसमें आप डालते हैं टाइम लेबर के लिए किसी के, आप लगा के देख लें कि इनके टर्न ओवर वर्किंग आ जाएगी। मैं इस चीज से नहीं बोलता क्योंकि मैं खुद आप समझते हैं कि उस वक्त नहीं होता, रूटीन चल रही होती है। एक आदत मुझे घर को अगर पता है कि ये 10 बजे तक खुला है, मुझे पता है तो मैं 10 बजे तक इंतजार करूंगा। हमारे यहाँ आदत है लेट जाने की, गर्मी भी हो जाती है, लोग इंतजार करते हैं कि जनाब शाम है। देखिए ना बैंक का टाइम अगर 5 बजे तक हुआ तो उसका पता भी 5 बजे तक मैंने जाना है, अच्छा बिल हम आखिरी डेट को जाकर जमा करवाते हैं, बिल आखिरी डेट पे देना है, हमारी आदत पता चल जाए ना लोगों को। ये देखें इसको असेंबली में पेश किया जाए, इतना असेंबली में पेश किया गया, पेश किया जा रहा है क्योंकि इतना अहम मसला हो गया। ये नजम साहब मतलब है, नजम साहब ये हमेशा के लिए आप कर रहे हैं, नजम साहब एक बात मुझे समझ के लिए कर रहे हैं, बिजली बनाने के हवाले से नहीं, क्या इनिशिएटिव लिया गया है दुनिया के अंदर जो चीज ये तब्दीली आई है ना, ये 1800 जब 57 से बाकी उससे भी पहले वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई तो मैंने जब ये पूरी दुनिया में एक कंजर्वेशन का कि किस तरह से बिजली एनर्जी को सेव किया जा सकता है ये दुनिया में एक सिस्टम आया और इस वक्त पूरी दुनिया में ये लागू हुआ है। वो ये नहीं होता कि हर दफा चेंज करते, उन्होंने एक रूटीन पक्की कर दी हुई है कि 2 छुट्टियां हैं और 6 बजे दुकानें बंद हैं। उसके बाद एक मिसाल दे रहे हैं एनर्जी को कंजर्व करने का, ये इसीलिए इसीलिए दे रहा हूं दुनिया की मेरी बात आप, दुनिया की आप हम कंपैरिजन करते हैं दुनिया के साथ, दुनिया के साथ 1 लाख वहां से उलते हैं हर शख्स को हर ताजर को, तो वहां इनकम टैक्स का जीडीपी भी देख ले क्या है उसके लिए क्या कुछ नहीं, यहाँ क्या देता है, यहाँ क्या आदत है, हमें कम टैक्स देना ही नहीं है। दुनिया की बात ना दे उसके साथ कंपैरिजन, दुनिया में छुट्टियां बिजली बचाने के लिए नहीं होती है तो वो सिर्फ और कुछ कंजर्वेशन नहीं है। अगर अगर मैं आप कह रहे हैं वो सिस्टम को ले आएंगे कहीं से स्टार्ट करेंगे ना,
तरक्की का स्टार्ट ले रहे हैं आप, ये तरक्की का स्टार्ट ले रहे हैं। मौका दे रहे जरा, दो मिनट टैक्स दे रहा है, सारी वो टैक्स दे रहा है, हर तरह से हुकूमत के साथ चल रहा है, टैक्स से चल रहा है, ये ताजर ही दे रहा है टैक्स टू थाउजेंड दे रहा है, उसको आप क्या दे रहे हैं उसके बदले में? तमाम तर ताकतें और तवानाइयां जो है ना बिजली बनाने पर सर्व करें, वो बिजली तो और ये बताएं हमें अगर इनकी यही रविश रही 4000 मेगावाट तो शॉर्ट मार हो गया। नजम साहब मुझे बातों मेरी बात सुन ले, दो मिनट और राजा साहब के वादे किधर गए? दो मिनट दे दें, दो मिनट प्लीज बोले। मैं कह रहा हूँ कि तवानाइयां अपनी वहां सर्व करें, बिकॉज देखें अगर इनकी इनके इसी ये रविश इनकी रही तो आज तो ये 8 बजे कह रहे हैं, फिर ये कहेंगे जी आप दुकानें यहाँ खोलें। मसला ये है कि ये इशू है, एक कौमी इशू है। आप मुझे बताएं, आप मुझे ये पूछ लें क्या आपने भाषा डैम की बात की है कि हम बनाएंगे, क्या वहां तक पहुंचने के लिए जो एक बार ठीक है बिजली की पैदावार बढ़ाने में भी जोर देना, थोड़ा सा बिजली की पैदावार बढ़ाने में जोर देना। 32 डैम छोटे से आ रहे हैं, छोटे 8 साल में कोई डैम नहीं बनना, छोटे डैम अब सुन लेना, 32 छोटे डैम स्टार्ट हो चुके हुए हैं। अब ये जो सूबों के अंदर ये जो वेस्ट का है उससे एक बिजली बनाई जाएगी, 5-5 मेगावाट के यूनिट लग रहे हैं छोटे छोटे हर जगह पे, हर चीज विंड मिल से आ रहे हैं, ऑल्टरनेट एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, भाषा डैम का स्टार्ट हो रहा है, वो चीजें हैं, लेकिन उनका टाइम लगेगा, ये नहीं एकदम में आ जाएंगे। हम तो रेंटल 3 साल वो तो हम रेंटल लाना चाहते थे, लेकिन उसके अंदर जो प्रॉब्लम खड़ी है बेहतर करें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवीचे साहब यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए, खालिद परवेज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नई मीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिन इशू बहुत सेंसिटिव है और मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी और हुकूमत जाहिर है इस प्लान पर अमल भी करवाना चाहेगी, आगे से ताजरों में भी उसका रिएक्शन आने की पूरे इम्कान हैं, मामला ज़्यादा सीरियस होता चला जाएगा। उससे पहले मैं समझता हूँ कि जो हमारे बड़े हैं जिनको हमने जिम्मेदारी दी हुई है, सियाने हैं, ज़रा बैठें, सर जोड़कर बैठें और देखें कि इस मसले का हल क्या है, मुस्तकिल हल क्या है, उसके बारे में सोचें। वाकई सही बात है, दुकानें बंद कराने पर जोर लगाने से ज़्यादा बिजली बनाने पर अगर हम जोर लगाएं तो सूरत हाल ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसी दरख्वास्त के साथ ये पहला सेगमेंट हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, जा रहे हैं हेडलाइंस की तरफ और न्यूज़ ब्रेक की तरफ।